वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा पॉलिश बास्केटबॉल लीग का SZC वर्सेस TPD के बीच 1 घंटे 18 मिनट बाद। बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो, इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों। पिछले मैच में यार काफ़ी ना लोगों की सेम टीम आ गई, क्योंकि मैं जानता ही था क्योंकि अगर मैं रिस्क लेता तो हमारा लॉस जाता। लॉस से बढ़िया होता है कि हमारा क्लैश हो जाए लेकिन लॉस ना हो, क्योंकि पिछले मैच में तो लॉस ना, नो लॉस नो प्रॉफिट कुछ भी नहीं, लेकिन जो उससे प्रीवियस मैच था उसमें तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप, और जो सुबह बास्केटबॉल गया उसमें भी। तो चलिए छोड़ें उस बात को, बढ़ते हैं आगे भाइयों। चैनल का नाम ध्यान से देख लो। तो मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है SZC वर्सेस TPD, सुबह मैंने बास्केटबॉल में अल्ट्रा रॉक किया था, तो कुछ दिन से मैं GL की वर्क नहीं कर रहा एक हफ्ते से, तो अब मैं दोबारा आ गया हूं क्योंकि भाइयों एक्चुअली सम बिजी शेड्यूल के कारण। तो मेरी बात सुन लीजिए, बात करें भाइयों पॉइंट गार्ड की, तो यहाँ से लूँगा बीट रोटर को ड्रॉप करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर ये बंदा आपको 15 से 20 पॉइंट भी दे रहा है वो समझो इसके लिए मैक्सिमम है, क्योंकि पॉलिश लीग में आपकी ड्रीम टीम भी जो होगी ना, मतलब जो ड्रीम 11 की ड्रीम टीम भी होती है, वो भी भाइयों 200+ बहुत मुश्किल से करेगी। बात करूँ शूटिंग गार्ड की, तो यहाँ से लूँगा SZ को। मैं हैरान कि इस प्लेयर की सिलेक्शन इतनी कम, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि भाइयों ये दिखने में आपको लग रहा होगा 10 क्रेडिट का प्लेयर है, ऐसा खेलेगा वैसा खेलेगा, यार मैं क्या करूं, मुझे भी मजबूरी में लेना पड़ा है क्योंकि मैं इसको लेना नहीं चाहता। चाहो तो आप इससे बढ़िया ना कोई और प्लेयर ले लो जिसमें कि आपको हाँ भाई लगे हाँ मैं जीत सकता हूं। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से KHIL को लेते हो, KHIL ने अभी तक सिंगुलर मैच खेला है तो उसकी सिलेक्शन भी डाउन है, चाहो तो इसको भी ले सकते हो। तो इसी को फाइनल कर लेते हैं और आगे से बात करूँ, यहाँ सुनूंगा डी विल्सेक जो कि भाइयों काफ़ी ज़्यादा टॉप का प्लेयर है, जो मैच में भी अच्छा चला है। और आगे से बात करूँ स्मॉल फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लूँगा बीट डिडुस्को को, जो कि ये भी भाइयों 28 अगस्त के मैच में आप देख ही सकते हैं व्हाट ए विनिंग। जैसे कि आपको पता ही है 11 इसने पॉइंट्स दिए थे एंड 7 और रैप की थी इसने 6 एंड 2 असिस्ट। बास्केटबॉल में भी सब कुछ होता है और काफ़ी बढ़िया है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा MZepski को। MZepski हर बार मेरी टीम में रहा है, प्रीवियस मैच में भी टीम में था, और 37 इसके पॉइंट जो थे मेरे लिए गोल्डन पॉइंट्स थे भाइयों, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 37 पॉइंट के कारण ही मैं जीता था, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। बात करूं भाइयों पावर फॉरवर्ड की, तो ASL जो कि प्रीवियस मैच में 34 पॉइंट देके गया, हर मैच में अराउंड 30+ पॉइंट देने की पूरी पावर में रहता है। बात करूँ भाइयों सेंटर की, डी कुलिक जो कि आप देख सकते हैं स्टेटस हर मैच में 30 अराउंड पॉइंट्स, तो डी कुलिक कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है। बात करूँ आगे से यहाँ से बैटोस को, तो MBatos जो कि ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, एवरेज खेलता है। अब ना आपको प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहाँ आनी है, कैप्टन वाइस कैप्टन में, यहाँ पे सबसे बड़ी आपके साथ एक मेन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैप्टन मैं मानता हूँ ASL को आपने रख दिया चलो, लेकिन वाइस कैप्टन आधी जनता जाएगी डी कुलिक के साथ। लेकिन अगर आपने मेरी बात माननी है, जो लोग मेरे कहने पे चलते हैं वही इसको रखो आप वाइस कैप्टन, जिसका नाम है MZepski। MZepski अभी तक सिर्फ सिंगुलर मैच खेला है, और सिंगुलर मैच में यार 37 पॉइंट, तो सैल्यूट है इस प्लेयर को कि तुम पॉलिश लीग में इतने अच्छे पॉइंट्स मार रहे हैं, तो भाइयों ये बाकी लीग्स में क्या करेगा। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।